मीमांसक मत। अब मीमांसक मत का स्वरूप कहते हैं। मीमांसक दो प्रकार के हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। वहां ब्रह्मवादी तो यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेदांत में अद्वैत ब्रह्म को निरूपित करते हैं तथा आत्मा में लय होना सो मुक्ति कहते हैं। इनका मिथ्यापना पहले दिखलाया है सो विचारना। तथा कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं सो इन क्रियाओं में रागादिक का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तथा वहाँ भट्ट और प्रभाकर द्वारा की हुई दो पद्धतियाँ हैं। वहाँ भट्ट तो छह प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। तथा प्रभाकर अभाव बिना पांच ही प्रमाण मानते हैं। सो इनका सत्यासत्यपना जैन शास्त्रों से जानना। तथा वहाँ सत्कर्म सहित ब्रह्म सूत्र के धारक शूद्र के अन्नादि के त्यागी गृहस्थाश्रम हैं, नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं। तथा वेदांत में यज्ञोपवीत रहित विप्र अन्नादिक के ग्राही भगवत हैं, नाम जिनका वे चार प्रकार के हैं, कुटीचर, बहुदक, हंस, परमहंस। सो यह कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं, परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और रागादिक का सद्भाव इनके पाया जाता है, इसलिए यह वेस कार्यकारी नहीं है। जैमिनीय मत। तथा यही जैमिनीय मत है सो इस प्रकार कहते हैं, सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, नित्य वेद वचन है, उनसे यथार्थ निर्णय होता है, इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना वह तो नोदना वही है लक्षण, जिसका ऐसे धर्म का साधन करना, जैसे कहते हैं कि स्वकामोग्नि यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे इत्यादि निरूपण करते हैं। यहाँ पूछते हैं, शैव सांख्य न्यायिक आदि सभी वेद को मानते हैं, तुम भी मानते हो, तुम्हारे व उन सबके तत्वाधिक निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है, सो क्या कारण है? यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रमाणता कैसे रहे, और यदि मत वाले ही कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करके एक को वेद का अनुसारी अन्य को वेद से परान्मुख ठहराओ। सो हमें तो यह भाषित तो होता है, वेद ही में पूर्वा पर विरुद्धता सहित निरूपण है, इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छा अनुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं, परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें? तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने, प्रत्यक्ष विरुद्ध है, तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी? इसी प्रकार अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध हैं, तथा वेद में ब्रह्मा कहा है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते, इत्यादि प्रकार से जैमिनीय मत कल्पित जानना। बौद्ध मत। अब बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं। बौद्ध मत में चार आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं, दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग। वहां संसारी के स्कंद रूप वह दुख है, वह पांच प्रकार का है, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार रूप। वहां रूपादिक का जानना सो विज्ञान है, सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है, सोते का जागना सो संज्ञा है, पड़ा था उसे याद करना सो संस्कार है, रूप का धारण सो रूप है। यहां विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है, दुख तो काम क्रोध आदि हैं, ज्ञान दुख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुखी है, किसी के ज्ञान बहुत है, काम क्रोध आदि अल्प है व नहीं है सो सुखी है, इसलिए विज्ञानादिक दुख नहीं है। तथा आयतन 12 कहे हैं, पांच इंद्रियां और उनके शब्दादिक पांच विषय, एक मन और एक धर्मायतन। सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं, सबको क्षणिक कहते हैं तो इनका क्या प्रयोजन है? तथा जिससे रागादि के गण उत्पन्न होते हैं ऐसा आत्मा और आत्मीय है, नाम जिसका सुसमुदाय।
वहां अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना। परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है, तथा सर्व संसार क्षणिक है ऐसी वासना सो मार्ग है, परंतु बहुत काल स्थायी कितनी ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भासित होता है, यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं। यदि तू कहेगा संस्कार से है, तो संस्कार किसके हैं। जिसके हैं वह नित्य है या क्षणिक है। नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं। क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं। तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ, तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है, परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तता है। तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए। उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है, इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। तथा रागादिक ज्ञान संतान वासना का उच्छेद अर्थात निरोध उसे मोक्ष कहते हैं, परंतु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है। और रागादिक का अभाव होना तो हम भी मानते हैं, परंतु ज्ञानादिक अपने स्वरूप का अभाव होने पर तो अपना अभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा। हिताहित का विचार करने वाला तो ज्ञान ही है, सो अपने अभाव को ज्ञानी हित कैसे मानेगा। तथा बौद्ध मत में दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके सत्यासत्य का निरूपण जैन शास्त्रों से जानना, तथा यदि ये दो ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किस लिए बनाए। तथा वहां सुगत को देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रिया रूप स्थापित करते हैं, सो विडंबना रूप है। तथा कमंडल और रक्तांबर के धारी, पूर्वान्न में भोजन करने वाले इत्यादि लिंग रूप बौद्ध मत के भिक्षुक हैं, सो क्षणिक को वेश धारण करने का क्या प्रयोजन। परंतु महंतता के अर्थ कल्पित निरूपण करना और वेश धारण करना होता है। इस प्रकार बौद्धों के चार प्रकार हैं, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, योगाचार, माध्यमिक। वहां वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं, स्वतांत्रिक प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। योगाचारों के आचार सहित बुद्धि पाई जाती है। तथा माध्यमिक हैं, वे पदार्थ के आश्रय बिना ज्ञान ही को मानते हैं, वे अपनी अपनी कल्पना करते हैं, परंतु विचार करने पर कुछ ठिकाने की बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मत का निरूपण किया। चार्वाक मत। अब चार्वाक मत का स्वरूप कहते हैं, कोई सर्वज्ञ देव, धर्म अधर्म, मोक्ष है नहीं, पुण्य पाप का फल है नहीं, परलोक है नहीं, यह इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है, ऐसा चार्वाक कहता है। सो वहां उससे पूछते हैं, सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है। इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते, परंतु सर्वकाल क्षेत्रों में नहीं है ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसके हुआ। जो सर्व क्षेत्र काल की जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है। तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध हैं, यदि वे कल्पित हों तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होते। तथा धर्म अधर्म रूप परिणति होती देखी जाती है, उससे वर्तमान ही में सुखी दुखी होते हैं, इन्हें कैसे ना माने। और मोक्ष का होना अनुमान में आता है, क्रोधादिक दोष किसी के हीन है किसी के अधिक हैं, तो मालूम होता है किसी के इनकी नास्ती भी होगी। और ज्ञानादिक गुण किसी के हीन है किसी के अधिक भाषित होते हैं, इसलिए मालूम होता है किसी के संपूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार
जिसके समस्त दोष की हानि गुणों की प्राप्ति हो वही मोक्ष अवस्था है तथा पुण्य पाप का फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होती है। कोई शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसी के बिना ही यत्न निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है। सो इसका कारण कोई तो होगा, जो इसका कारण वही पुण्य पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमान से भाषित होता है। व्यंतर आदि हैं, वे ऐसा कहते देखे जाते हैं, मैं अमुक था सो देव हुआ हूं। तथा तू कहेगा यह तो पवन है, सो हम तो मैं हूं, इत्यादि चेतन भाव जिसके आश्रय से पाए जाते हैं उसी को आत्मा कहते हैं। तू उसका नाम पवन कहता है, परंतु पवन तो भीत आदि से अटकती है, आत्मा बंद होने पर भी अटकता नहीं है, इसलिए पवन कैसे माने। तथा जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोक कहता है, परंतु तेरे इंद्रिय गोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा सा अतीत अनागत काल, ऐसे क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते। और दूर देश की वह बहुत काल की बातें परंपरा से सुनते ही हैं, इसलिए सबका जानना तेरे नहीं है। तू इतना ही लोक किस प्रकार कहता है। तथा चार्वाक मत में कहते हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलने से चेतना हो आती है। सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया सो व्यंतर आदि हुआ, जो प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। तथा एक शरीर में पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, चेतना एक भाषित होती है। यदि पृथ्वी आदि के आधार से चेतना हो तो हाड़, रक्त, उच्छ्वास आदि के अलग अलग चेतना होगी। तथा हाथ आदि को काटने पर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा अहंकार बुद्धि तो चेतना के हैं, सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ ही रहा। तब व्यंतर आदि पर्यायों में पूर्व पर्याय का अहमपना देखा जाता है, सो किस प्रकार होता है। तथा पूर्व पर्याय के गुप्त समाचार प्रकट करते हैं, सो यह जानना किसके साथ गया। जिसके साथ जानना गया वही आत्मा है। तथा चार्वाक मत में खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है, परंतु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवृत्ता है, वहां शास्त्रादि बनाकर क्या भला होने का उपदेश दिया। तू कहेगा तपश्चरण शील संयम आदि छुड़ाने के अर्थ उपदेश दिया, तो इन कार्यों में तो कसाय घटने से आकुलता घटती है, इसलिए यही सुखी होना होता है। तथा यश आदि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है। विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है, स्वच्छंद होकर विषय सेवन के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चार्वाक मत का निरूपण किया। अन्न मत निराकरण उपसंहार। इसी प्रकार अन्न अनेक मत हैं, वे झूठी कल्पित युक्ति बनाकर विषय कसायासक्त पापी जीवों द्वारा प्रकट किए गए हैं। उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवों का बुरा होता है। तथा एक जिन मत है सो ही सत्यार्थ का प्रारूपक है, सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिक से ही जीवों का भला होता है। ऐसे जिनमत में जीवादि तत्वों का निरूपण किया है, प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत देव हैं, बाह अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष लिखेंगे सो जानना। यहां कोई कहे तुम्हारे राग द्वेष है इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित करते हो, उससे कहते हैं यथार्थ वस्तु का प्ररूपण करने में राग द्वेष नहीं है, कुछ अपना प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्ररूपण करें तो राग द्वेष नाम पाए। फिर वह कहता है यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्न मत बुरे और जैन मत भला ऐसा किस प्रकार कहते हो,
साम भाव हो तो सबको समान जानो, मत पक्ष किस लिए करते हो। उससे कहते हैं बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया। तथा बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव नहीं है। फिर वह कहता है कि सर्वमतों का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिए सबको समान जानना। उससे कहते हैं यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहें। एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है। परंतु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न हैं, सो बतलाते हैं। अन्य मतों से जैन मत की तुलना। जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। सो कथाओं में, लोक आदि के निरूपण में, आचरण में व तत्वों में जहां तहां वीतरागता की ही पुष्टि की है। तथा अन्य मतों में सराग भाव के पोषण का प्रयोजन है, क्योंकि कल्पित रचना कसाई जीव ही करते हैं और अनेक युक्तियां बनाकर कसाय भाव ही का पोषण करते हैं। जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्व को ब्रह्म मानने द्वारा सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति का मानकर अपने को शुद्ध अकर्ता मानने द्वारा और शिवमती तत्व जानने ही से सिद्धि होना मानने द्वारा मीमांसक कषाय जनित आचरण को धर्म मानने द्वारा बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा चारवाक परलोक आदि न मानने द्वारा विषय भोगादि रूप कषाय कार्यों में स्वच्छंद होने का ही पोषण करते हैं। यद्यपि किसी स्थान पर कोई कषाय घटाने का भी निरूपण करते हैं तो उस छल से अन्य किसी कषाय का पोषण करते हैं। जिस प्रकार ग्रह कार्य छोड़कर परमेश्वर का भजन करना ठहराया और परमेश्वर का स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रय से अपने विषय कषाय का पोषण करते हैं। तथा जैन धर्म में देव गुरु धर्मादि का स्वरूप वीतराग ही निरूपण करके केवल वीतरागता ही का पोषण करते हैं, सो यह प्रकट है। हम क्या कहें, अन्नमति भर्तृहरि ने भी वैराग्य प्रकरण में ऐसा कहा है। एको राग सुराज ते प्रियतमा देहार्द धारी हरो नीरागेसु जिनो विमुक्त ललना संगोन यस्मात् परः दुर्वार स्मरण वाण पन्नग विषय व्यासक्त मुग्धो जनः शेषः काम विडम्बितो हि विषयान भोक्तुम न मोक्तुम क्षमः। इसमें सरागियों में महादेव को प्रधान कहा है और वीतरागियों में जिनदेव को प्रधान कहा है। तथा सराग भाव और वीतराग भाव में परस्पर प्रतिपक्षी पना है। यह दोनों भले नहीं हैं, परंतु इनमें एक ही हितकारी है और वह वीतराग भाव ही है, जिसके होने से तत्काल आकुलता मिटने से स्तुति योग्य होता है, जिससे आगामी भला होना केवल हम ही नहीं कहते किंतु सभी मत वाले कहते हैं। सराग भाव होने पर तत्काल आकुलता होती है, निंदनीक होता है और आगामी बुरा होना भासित होता है। इसलिए जिसमें वीतराग भाव का प्रयोजन है ऐसा जैन मत ही इष्ट है। जिनमें सराग भाव के प्रयोजन प्रकट किए हैं ऐसे अन्य मत अनिष्ट हैं, इन्हें समान कैसे माने। तथा वह कहते हैं कि यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें। वहां कहते हैं कि हम कषाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाएं तो हम पापी ही हैं, परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें। जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वैश्यादिक दुख पाए और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो तो क्या करें। इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे होगा। ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाएं,
तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे। हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। तथा कोई कहे, प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शनादिक होते हैं। अन्य मतों का श्रद्धान करने से किस प्रकार मिथ्या दर्शनादिक होंगे? समाधान, अन्य मतों में विपरीत युक्ति बनाकर जीवादिक तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित ना हो, यही उपाय किया है। सो किस लिए किया है? जीवादिक तत्वों का यथार्थ स्वरूप भाषित हो तो वीतराग भाव होने पर ही महंतपना भाषित हो, परंतु जो जीव वीतरागी नहीं है और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्हें सराग भाव होने पर भी महंतता मानने के अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वैत ब्रह्मादिक के निरूपण द्वारा जीव अजीव के और स्वच्छंद वृत्ति के पोषण द्वारा आश्रव संवरादिक के और सकसाईवत व अचेतनवत मोक्ष कहने द्वारा मोक्ष के अयथार्थ श्रद्धान का पोषण करते हैं। इसलिए अन्य मतों का अन्यथापना प्रकट किया। इनका अन्यथापना भाषित हो तो तत्व श्रद्धान में रुचिवान हो और उनकी युक्ति से भ्रम उत्पन्न ना हो। इस प्रकार अन्य मतों का निरूपण किया। अन्य मत के ग्रंथोद्धारणों से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता। अब अन्य मतों के शास्त्रों की ही साक्षी से जिन मत की समीचीनता व प्राचीनता प्रकट करते हैं। बड़ा योग वशिष्ठ 36,000 श्लोक प्रमाण है। उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण में अहंकार निषेध अध्याय में वशिष्ठ और राम के संवाद में ऐसा कहा है, रामो वाच नाहम रामो नामे वांछा भावसु च नामे मनहा शांति मस्थातु मिच्छामि स्वात्त मन्नेव जिनो यथा। इसमें राम जी ने जिन समान होने की इच्छा की है, इसलिए राम जी से जिन देव का उत्तम पना प्रकट हुआ और प्राचीन पना प्रकट हुआ। तथा दक्षिणामूर्ति सहस नाम में कहा है, शिवो वाच जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामय। यहाँ भगवत का नाम जैन मार्ग में रत और जैन कहा है, सो इसमें जैन मार्ग की प्रधानता और प्राचीनता प्रकट हुई। तथा वैशंपायन सहस नाम में कहा है, काल नैमिर महावीर शूर शौरी जिनेश्वर। यहाँ भगवान का नाम जिनेश्वर कहा है, इसलिए जिनेश्वर भगवान है। तथा दुर्वासा ऋषि कृत महिमनी स्त्रोत्र में ऐसा कहा है, तत दर्शन मुख्य शक्ति रीति चा तुम ब्रह्म कर्मेश्वरी कर्ता हन पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धम शिवस्तोम गुरु। यहाँ अरिहंत तुम हो, इस प्रकार भगवंत की स्तुति की, इसलिए अरिहंत के भगवान पना प्रकट हुआ। तथा हनुमान नाटक में ऐसा कहा है, यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धः बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकः। अरिहन नित्यथ जैन शासन रतः कर्मेति मीमांसकः सोयम वो विदधातु वांछति फलम त्रैलोक्यनाथः प्रभु। यहाँ छह मतों में एक ईश्वर कहा, वहाँ अरिहंत देव के भी ईश्वरपना प्रकट किया। यहाँ कोई कहे, जिस प्रकार यहाँ सर्व मतों में एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो, उससे कहते हैं, तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिए तुम्हारे मत में अरिहंत के ईश्वरपना सिद्ध हुआ। हमारे मत में भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवादिक को ईश्वर माने। जैसे कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाए, कोई झूठे रत्न दिखाए, वहां झूठे रत्न वाला तो रत्नों का समान मूल लेने के अर्थ समान कहता है, सच्चे रत्न वाला कैसे समान माने। उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिक का निरूपण करते हैं, अन्नमति झूठे निरूपित करता है। वहां अन्नमति अपनी समान महिमा के अर्थ सर्व को समान कहता है, परंतु जैनी कैसे माने। तथा रुद्रयामल तंत्र में भवानी सहस्त्र नाम में ऐसा कहा है, कुंडासना जगद्दात्री
बुद्ध माता जिनेश्वरी, जिन माता जिनेन्द्राचा शारदा हंस वाहिनी। यहाँ भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिए जिनका उत्तम पना प्रकट किया तथा गणेश पुराण में ऐसा कहा है, जैनम पशुपतम सांख्यम, तथा व्यासकृत सूत्र में ऐसा कहा है, जैनः एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयम् प्ररूपयन्ति स्यादवादिनः इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है, इसलिए जैन मत का प्राचीनपना भासित होता है। तथा भगवत के पंचम स्कंद में ऋषभावतार का वर्णन है, वहां उन्हें करुणामय तृष्णा रहित ध्यान मुद्रा धारी सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है। उनके अनुसार अरिहत राजा ने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम कृष्णादि अवतारों के अनुसार अन्नमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतार के अनुसार जैन मत है। इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैन मत प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिए, कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कसायों की प्रवृत्ति होती है, ऋषभावतार के अनुसार वीतराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा, और विशेष मानने से जो भली हो वह अंगीकार करना। तथा दशावतार चरित्र में बद्ध वा पद्मासनम यो नयन युगमिदम नयस्य नासाग्र देशे इत्यादि बुद्धावतार का स्वरूप अरिहंत देव समान लिखा है। सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो अरिहंत देव पूज्य सहज ही हुए। तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया, वहां नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की, गरुण को श्रावक किया, ऐसा कथन है। तो जहां संबोधन करना हुआ वहां जैनी वेश बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासित होते हैं। तथा प्रभास पुराण में ऐसा कहा है, भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् तेनैव तपसा कृष्टः शिवः प्रत्यक्षताम् गतः पद्मासनमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः नेमिनाथा शिवित्येवं नाम चक्रे अस्य वामनः कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः दर्शनाथ स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः। यहाँ वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ कहा, उसी का नाम शिव कहा, तथा उसके दर्शनादिक से कोटि यज्ञ का फल कहा। सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। तथा प्रभास पुराण में कहा है, रेव ताद्रो जिनो नैमिर युगादिर विमला चले ऋषि नामाश्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम। यहाँ नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही, उनके स्थान को ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा, और युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे। तथा नगर पुराण में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है, आकारादेह कांतर मूर्धा धोरेव संयुतम नाद बिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एत देवी परम तत्वम यो विजनाति तत्वतः संसार बंधनम चित्वा सा गच्छेत परमाम गतिम। यहाँ अरहम ऐसे पद को परम तत्व कहा है, उसके जानने से परम गति की प्राप्ति कही है। अरहम पद जैन मत उक्त है। तथा नगर पुराण में कहा है, दशभिर भो जितैर विप्रई यत फलम जायते कृतम मुने ररहत सुभक्तस्य तत्फलम जायते कलौ। यहाँ कृतयुग में दस ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा है, उतना फल कलियुग में अरिहंत भक्त मुनि को भोजन कराने का कहा है, इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे। तथा मनुस्मृति में कहा है, कुलादि बीजम सर्वेषां प्रथमो विमल वाहनः चक्षुष्मान यशस्वी बाभी चंद्रोद अथ प्रसेनजित मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्यमः अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभे जति उरुक्रमः दर्शयन बट्म वीराणां सुरासुर नमस्कृतः नीति त्रितयकर्ता
यो युगादौ प्रथमोजिना। यहाँ विमल वाहनादिक मनु कहे सो जैनों में कुलकरों के नाम कहे हैं, और यहाँ प्रथम जिन युग के आदि में मार्ग का दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा है सो इसी प्रकार है। तो जैन मत युग के आदि से ही है, और प्रमाणभूत कैसे न कहें, तथा ऋग्वेद में ऐसा कहा है। ओवम त्रैलोक प्रतिष्ठितान चतुर्विंशति तीर्थंकरान ऋष्वाध्यान वर्धमानांतान सिद्धान शरणं प्रपद्ये। ओवम पवित्र नग्नमुप विस्प्रसामहे ऐसाम नग्नम ऐसाम जातम ऐसाम वीरम सुवीरम इत्यादि। तथा यजुर्वेद में ऐसा कहा है। ओम नमो अरिहतो ऋष्वाय। तथा ऐसा कहा है। ओम ऋषभ पवित्रम पुरुहूतम ध्वग्गम यज्ञेषु नग्नम परमम माह संस्तुतम वरम शत्रुम जयंतम पशुरिद्र माहतीरीति स्वाहा। ओम त्रातारमिंद्रम ऋषभम बंदति अमृतारमिंद्रम हवे सुगतम सुपार्श्विंद्रम हवे सक्रमर्जितम तद्वर्धमान पुरुहूत मिंद्र माहिरति स्वाहा। ओम नग्नम सुधीरम दिग्वासिसम ब्रह्मगर्भ सनातनम उपैमी वीरम पुरुष मरहंत मादित्यवर्ण तम सह परस्तात् स्वाहा। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्रास्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नास्ताक्षार्यो अरिष्टनेमी स्वस्तिनो बृहस्पदादिर्धातु दीर्घायुस्तवायु बलायुर्वा शुभा जातायु। ओम रक्ष रक्ष अरिष्टनेमी स्वाहा। वामदेव शांत्यर्थ मनु विधीयते सो अस्माकम् अरिष्टनेमी स्वाहा। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे, तथा यहाँ यह भाषित हुआ कि इनके पीछे वेद रचना हुई है। इस प्रकार अन्नमत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिनमत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई, तथा जिनमत को देखने से वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं। इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। तथा अन्य मतों में पूर्वापर विरोध भाषित होता है। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, वहां यज्ञादिक में हिंसादि का पोषण किया, और बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादि का निषेध किया। विश्वावतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया, और कृष्णावतार में पर स्त्री रमणादि विषय कसायादि का मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करे, किसके अनुसार प्रवर्ते, और इन सब अवतारों को एक बतलाते हैं, परंतु एक भी कदाचित किसी प्रकार कदाचित किसी प्रकार कहते हैं व प्रवर्तते हैं। तो इसे उनके कहने की व प्रवर्तने की प्रतीति कैसे आए। तथा कहीं क्रोधादि कषायों का व विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ने का व विषयादि सेवन का उपदेश देते हैं, वहां प्रारब्ध बतलाते हैं सो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हो तो यह भी माने, परंतु वह तो होती नहीं है। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए ना माने तो अलग क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया, इसलिए ऐसा नहीं बनता। पूर्वापर विरोध है। गीता में वीतरागता बतलाकर लड़ने का उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। तथा ऋषि स्वरादिकों द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं सो ऐसा क्रोध करने पर निंदपना कैसे नहीं हुआ इत्यादि जानना। तथा अपुत्रस्य गतिर नास्ति ऐसा भी कहते हैं, और भारत में ऐसा भी कहा है। अनेकानि सहस्त्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवं गतानि राजेंद्र अकृत्वा कुल संतितिम। यहाँ कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया सो यह परस्पर विरोध है। तथा ऋषिश्वर भारत में ऐसा कहा है। मध्य मांसासनम रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति व्रथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः व्रथा एकादशी प्रोक्ता व्रथा जागरणम हरे व्रथा च पौष्करी यात्रा
कृत्स्नं चांद्रायणं रथा चातुर्मासे तु संप्राप्ते रात्रि भोज्यं करोति यः तस्य शुद्रिन विद्येत चांद्रायण शतैरपि। इसमें मध्यमांसादिक का व रात्रि भोजन व चौमासे में विशेष रूप से रात्रि भोजन का व कंद फल भक्षण का निषेध किया तथा बड़े पुरुषों को मध्यमांसादि का सेवन करना कहते हैं। व्रतादिक में रात्रि भोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं, इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार अनेक पूर्वा पर विरुद्ध वचन अन्य मत के शास्त्रों में हैं, सो क्या किया जाए। कहीं तो पूर्व परंपरा जानकर विश्वास कराने के अर्थ यथार्थ कहा और कहीं विषय कषाय का पोषण करने के अर्थ अन्यथा कहा। सो जहां पूर्वा पर विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें। अन्य मतों में जो क्षमा शील संतोष आदि का पोषण करने वाले वचन हैं वे तो जैन मत में पाए जाते हैं और विपरीत वचन हैं वे उनके कल्पित हैं। जिन मतानुसार वचनों के विश्वास से उनकी विपरीत वचनों के भी श्रद्धानादिक हो जाते हैं, इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देखकर भी वहां श्रद्धानादिक नहीं करना। जिस प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है उसी प्रकार जानना, तथा यदि कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत में ना पाया जाए और अन्य मत में पाया जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए और अन्यत्र न पाया जाए, तो अन्य मत का आदर करो, परंतु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में कुछ छिपा नहीं है। इसलिए अन्य मतों के श्रद्धानादिक छोड़कर जिन मत के दृढ़ श्रद्धानादिक करना। श्वेतांबर मत विचार तथा काल दोष से कसाई जीवों द्वारा जिन मत में भी कल्पित रचना की है सो बतलाते हैं। श्वेतांबर मत वाले किसी ने सूत्र बनाए, उन्हें गणधर के बनाए कहते हैं, सो उनसे पूछते हैं, गणधर ने आचारंग आदि बनाए हैं सो तुम्हारे वर्तमान में पाए जाते हैं, इतने प्रमाण सहित बनाए थे या बहुत प्रमाण सहित बनाए थे? यदि इतने प्रमाण सहित ही बनाए थे तो वे तुम्हारे शास्त्रों में आचारंगादिक के पदों का प्रमाण 18,000 आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो। पद प्रमाण क्या? यदि विभक्ति के अंत को पद कहोगे तो कहे हुए प्रमाण से बहुत पद हो जाएंगे, और यदि प्रमाण पद कहोगे तो उस एक पद के साधिक 51 करोड़ श्लोक हैं, सो यह तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, इसलिए बनता नहीं। तथा आचारंगादिक से दसवई कालिकादिक का प्रमाण कम कहा है और तुम्हारे अधिक है, सो किस प्रकार बनता है? फिर कहोगे आचारंगादिक बड़े थे, काल दोष जानकर उन्हीं में से कितने ही सूत्र निकालकर यह शास्त्र बनाए हैं। तब प्रथम तो टूटक ग्रंथ प्रमाण नहीं है, तथा ऐसा नियम है कि बड़ा ग्रंथ बनाए तो उसमें सर्ववर्णन विस्तार सहित करते हैं और छोटा ग्रंथ बनाए तो वहां संक्षिप्त वर्णन करते हैं, परंतु संबंध टूटता नहीं है। और किसी बड़े ग्रंथ में से थोड़ा सा कथन निकाल लें तो वहां संबंध नहीं मिलेगा, कथन का अनुक्रम टूट जाएगा, परंतु तुम्हारे सूत्रों में तो कथादिक का भी संबंध मिलता भाषित होता है, टूटकपना भाषित नहीं होता। तथा अन्य कवियों से गणधर की बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाए ग्रंथों में थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ होना चाहिए, परंतु अन्य कवियों जैसी भी गंभीरता नहीं है। तथा जो ग्रंथ बनाए वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि अमुक कहता है, मैं कहता हूं ऐसा कहता है, परंतु तुम्हारे सूत्रों में हे गौतम व गौतम कहते हैं, ऐसे वचन हैं, परंतु ऐसे वचन तो तभी संभव हैं जब और कोई करता हो, इसलिए यह सूत्र गणधर कृत नहीं है, औरों के बनाए गए हैं। गणधर के नाम से कल्पित रचना को प्रमाण कराना चाहते हैं, परंतु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि गणधर सूत्रों के अनुसार कोई 10 पूर्वधारी हुए हैं, उन्होंने यह सूत्र बनाए हैं। वहां पूछते हैं, यदि नए ग्रंथ बनाए हैं तो नया नाम रखना था, अंगादिक के नाम किस लिए रखे?
जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारा प्रकट करे, ऐसा यह कार्य हुआ। सच्चे को तो जिस प्रकार दिगंबर में ग्रंथों के और नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रंथों का कहा, उसी प्रकार कहना योग्य था। अंगादि के नाम रखकर गणधर कृत का भ्रम किस लिए उत्पन्न किया? इसलिए गणधर के पूर्वधारी के वचन नहीं है तथा इन सूत्रों में विश्वास करने के अर्थ जो जिनमत अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगंबर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा जो कल्पित रचना की है उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाण में विरुद्धपना भाषित तो होता है वही बतलाते हैं। अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध। अन्य लिंगी के व गृहस्थ के व स्त्री के व चांडाल आदि शूद्रों के साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होना मानते हैं, सो बनता नहीं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, परंतु वे सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ऐसा कहते हैं। अरे हंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहणो गुरुणो जिन पणत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मये गहियम। सो अन्य लिंगी के अरिहंत देव, साधु, गुरु जिन प्रणीत तत्व का मानना किस प्रकार संभव है? जब सम्यक्त भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा? यदि कहोगे अंतरंग में श्रद्धान होने से उनके सम्यक्त होता है, सो विपरीत लिंग धारक के प्रशंसादिक करने पर भी सम्यक्त को अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? श्रद्धान होने के पश्चात महाव्रतादि अंगीकार करने पर सम्यक चारित्र होता है, वह अन्य लिंग में किस प्रकार बनेगा? यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चारित्र होता है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान हुआ, इसलिए अन्य लिंगी को मोक्ष कहना मिथ्या है। गृहस्थ मुक्ति निषेध। तथा गृहस्थ को मोक्ष कहते हैं, सो हिंसादिक सर्व सावध योग का त्याग करने पर सम्यक चारित्र होता है, तब सर्व सावध योग का त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे संभव है? यदि कहोगे अंतरंग त्याग हुआ है तो यहां तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं, सो महाव्रतों में तो वाह त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किए बिना महाव्रत नहीं होते, महाव्रत बिना छट्टा आदि गुणस्थान नहीं होता, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? इसलिए गृहस्थ को मोक्ष कहना मिथ्या वचन है। स्त्री मुक्ति का निषेध। तथा स्त्री को मोक्ष कहते हैं, सो जिससे सप्तम नरक गमन योग्य पाप न हो सके उससे मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होगा? क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हों वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्री के निशंक एकांत में ध्यान धरना और सर्व परिग्रहादिक का त्याग करना संभव नहीं है। यदि कहोगे एक समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी को सिद्धि होना सिद्धांत में कही है, इसलिए स्त्री को मोक्ष मानते हैं, परंतु यहाँ वह भाव वेदी है या द्रव्य वेदी है? यदि भाव वेदी है तो हम मानते ही हैं, तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं और नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं, तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव हैं? इसलिए द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन नहीं बनता। यदि कहोगे 90 गुणस्थान तक वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव हो, इसलिए स्त्री को मोक्ष का कहना मिथ्या है। शूद्र मुक्ति का निषेध। तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं, परंतु चांडालादिक को गृहस्थ सम्मानादिक पूर्वक दानादिक कैसे देंगे? लोक विरुद्ध होता है तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते, तथा नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुण स्थान पर्यंत ही है,
ऊपर के गुण स्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा? यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने न करने की अपेक्षा से नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरा। ऐसा होने से असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर, क्षत्रिय आदि को भी नीच गोत्र का उदय ठहरेगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो। उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुण स्थान पर्यंत ही कहा है, सो कल्पित कहने में पूर्वा पर विरोध होगा ही होगा। इसलिए शूद्रों को मोक्ष कहना मिथ्या है। इस प्रकार उन्होंने सर्व को मोक्ष की प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्व को भला मानना, मोक्ष की लालच देना और अपने कल्पित मत की प्रवृत्ति कराना, परंतु विचार करने पर मिथ्या भाषित तो होता है। अक्षरों का निराकरण तथा उनके शास्त्रों में अक्षरा कहते हैं, वहां कहते हैं हुंडा अपसर्पणी के निमित्त से हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं। सो काल दोष से कितनी ही बातें होती हैं, परंतु प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हो तो आकाश के फूल, गधे के सींग इत्यादि का होना भी बनेगा, सो संभव नहीं है। वे अक्षरा कहते हैं सो प्रमाण विरुद्ध हैं, किस लिए? सो कहते हैं वर्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, अनुमान आदि में भी नहीं आता। तथा तीर्थंकर की हुआ कहें तो गर्भ कल्याण किसी के घर हुआ, जन्म कल्याण किसी के घर हुआ, कुछ दिन रत्नवृष्टि आदि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसी के घर हुए, 16 स्वप्न किसी को आए, पुत्र किसी के हुआ, इत्यादि असंभव भाषित होता है। तथा माताएं तो दो हुई और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा, जन्म कल्याण आदि में उसका सम्मान नहीं किया, अन्न कल्पित पिता का सम्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकर के दो पिता का कहना महाविपरीत भाषित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद के धारक के लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है। तथा तीर्थंकर के भी ऐसी अवस्था हुई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्री का गर्भ अन्य स्त्री को रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव अनेक प्रकार से पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं, वैसा यह कार्य हुआ। सो ऐसे निकृष्ट काल में जब ऐसा नहीं होता तब वहां होना कैसे संभव है? इसलिए यह मिथ्या है। तथा मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहते हैं, परंतु मुनि देवादि की सभा में स्त्री का स्थिति करना, उपदेश देना संभव नहीं है, वह स्त्री पर्याय हीन है। सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारी के नहीं बनती। तथा तीर्थंकर के नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्त्री के नग्नपना संभव नहीं है, इत्यादि विचार करने से असंभव भाषित होता है। तथा हरि क्षेत्र के भोग भूमिया को नरक में गया कहते हैं, सो बंध वर्णनों में तो भोग भूमिया को देवगति देवायु ही बंध कहते हैं, नरक कैसे गया? सिद्धांत में तो अनंत काल में जो बात हो वह भी कहते हैं, जैसे तीसरे नरक पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहा, भोग भूमिया के नरकायु गति का बंधन नहीं कहा, सो केवली भूलते तो नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। इस प्रकार सर्व अक्षरे असंभव जानना। तथा वे कहते हैं इनको छेड़ना नहीं, सो झूठ कहने वाला इसी प्रकार कहता है। तथा यदि कहोगे दिगंबर में जिस प्रकार तीर्थंकर के पुत्री चक्रवर्ती का मानभंग इत्यादि कार्य काल दोष से हुआ कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए, परंतु यह कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नहीं है, अन्य के होते थे सो महंतों के हुए, इसलिए काल दोष कहा है। गर्भहरण आदि कार्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरुद्ध है, उनका होना कैसे संभव है? तथा अन्य भी बहुत ही कथन प्रमाण विरुद्ध कहते हैं, जैसे कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव मन ही से प्रश्न करते हैं,
केवली मन ही से उत्तर देते हैं, परंतु सामान्य जीव के मन की बात मन्हा पर ये ज्ञानी के बिना जान नहीं सकता। तो केवली के मन की सर्वार्थ सिद्धि के देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवली के भाव मन का तो अभाव है, द्रव्य मन जड़ आकार मात्र है, उत्तर किसने दिया? इसलिए यह मिथ्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाण विरुद्ध कथन किए हैं, इसलिए उनके आगम कल्पित जान।